आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से जो ये नोटिफिकेशन है अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है, जो कि 140वां टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स मीन्स TGC 140 है, जो कि जनवरी 2025 कोर्स कमेंसिंग आपका यहाँ पर रहेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना है। एज क्राइटेरिया 20 से 27 साल है, 1 जनवरी 2025 को ये काउंट किया जाएगा। साथ में जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी 1 जनवरी 2025 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में भी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑफिसर सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। आप सबसे पहले चेक एलबीटी वाले ऑप्शन पर जाकर फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे, जेंडर एंटर करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आप पास आउट है या अपेयरिंग है, मेरिटल स्टेटस क्या है, कोई सर्टिफिकेट है तो आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़कर चेक एलबीटी पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर देखिए टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको ऑफिसर एंट्री अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं या यूजर नेम भूल गए हैं तो आप यहाँ पर इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश में हिंदी में आपको दिए गए हैं ये आप रीड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो डायरेक्टली लॉग इन भी आप कर सकते हैं। अब दो ऑप्शन है, अगर आपके पास आधार कार्ड है आधार कार्ड नंबर को सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स फेच फ्रॉम डिजी लॉकर आप यहां से कर सकते हैं। मतलब आपको जो फ्रेंड्स डिजी लॉकर अकाउंट आपका है उससे फ्रेंड्स आपको यहां पर जो है रजिस्टर करना होगा। और इसमें फ्रेंड्स जो आपका फ्रेंड्स डिजी लॉकर अकाउंट है उसमें फ्रेंड्स लॉग इन करने के लिए आपको आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देना है, और इस कैप्चा कोड को डालकर आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक ओटीपी आपके पास आती है, वो ओटीपी डालकर आपको यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको सब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपको अलाउ का ऑप्शन है यहाँ से आपको आपके डाटा को जो है वो आपको अलाउ कर देना है। अगर फ्रेंड्स आपके पास डिजी लॉकर नहीं है, आप पहली बार कर रहे हैं, तो डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। मतलब आप जो अपना न्यू अकाउंट है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो है एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा, और आप यहां से डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं और अपनी जानकारी को फेच कर सकते हैं डिजी लॉकर में। तो डिजी लॉकर अकाउंट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है और उसके बाद यहाँ से अलाउ करना है, आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड जो सेकंड तरीका है वो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, तो आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फेच फ्रॉम डिजी लॉकर आप करेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपकी जो बोर्ड के नेम की लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। आपको आपका नाम, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना है, ईमेल आईडी आपको देनी है, मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ से इसे फाइंड कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिलअप मिल जाएगी। आपको सबसे पहले आपका डोमिसाइल स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो लिस्ट है वो आपकी स्टेट की वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप यहाँ से जो भी आपका स्टेट रहा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पिता या अभिभावक का नाम जैसे भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर देना है। आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे। यहाँ से हियर बाय डिक्लेयर आप इसे कर देंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप डाटा को यहां से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास देखिए एक ओटीपी वेरिफिकेशन जाता है, जिसमें आपकी जो मेल आईडी है उस पर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है इस पर पहुंच जाएंगे। इसमें सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, 10th का जो बोर्ड है वो आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, और स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। 10th का फ्रेंड जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद यहाँ पर इसे अपलोड भी करना होगा। इसके बाद है एलिजिबल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आप चाहे पास आउट है या अपेयरिंग है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि आप पास आउट है या अपेयरिंग है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर देखिए आपने सर्विस की है आर्मी नेवी या एयरफोर्स में, तो आप डेट ऑफ एनरोलमेंट बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, तो आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहां से ले सकते हैं और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको जो आंसर है वो यहां पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड का, तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड फ्रेंड्स यहां पर देखिए इसमें आपके देखिए अपर केस होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो आपको यहां दिए गए हैं इनमें से कोई भी आप अपने पासवर्ड में रखेंगे तो ही आपका यहां पर पासवर्ड बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और ये स्पेशल कैरेक्टर, ये सभी आपके उस पासवर्ड में इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद ही आपका ये पासवर्ड जनरेट होगा और आप इस कैप्चर कोड को फिल के कहां से इसको डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन होते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है वो आपको अपलोड करने होंगे जेपीजी फॉर्मेट में, क्योंकि फ्रेंड्स हमने पहले से ही आवेदन किया हुआ है, क्योंकि अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आपको दोबारा से जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं होती, आपको बस फ्रेंड्स आपका जो प्रोफाइल है वो आपको अपडेट करना है, तो आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद आपका कम्युनिकेशन डिटेल सेक्शन रहेगा, जिसे फ्रेंड्स आप अपना एड्रेस फिल करके यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको नीचे टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई का आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस पेज है, इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने जो ये इंटरफेस ओपन होता है, यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको आपकी जो नेशनलिटी होगी वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यहां पर देखिए फोटोग्राफ है जो कि 5 से 20 KB में, सिग्नेचर 5 से 10 KB में, जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप लिख सकते हैं, मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ। आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और इसमें आपको आपका पिन कोड भी मेंशन करना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे और अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन सेक्शन में टाइप ऑफ स्कूल आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर इसमें नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे, अदर स्कूल का नाम आप देंगे, 10+2 का या डिप्लोमा का जो रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है, डिप्लोमा होल्डर आप हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। और अगर फ्रेंड्स आप यहां पर यस करते हैं तो आप यहां पर देखिए जो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ये डिप्लोमा का रहेगा, और आपने अगर नॉर्मल 12th किया है तो फ्रेंड्स आपको यहां पर 12th की जो परसेंटेज है वो आपको मेंशन करनी है। आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी इसमें इक्विवेलेंट स्ट्रीम कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ कंप्लीट आपको प्रोवाइड करना होगा, तो आपने इसको कब कंप्लीट किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर देना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग देना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कम से कम जो ड्यूरेशन है आपके कोर्स की उससे पहले की डेट आप मेंशन कर सकते हैं। कॉलेज का नाम पूरा लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिखना है, यूनिवर्सिटी किस तरह की है वो आपको देनी है, किस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई गेट स्कोर आपके पास है तो वो जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन देने होंगे आपके ग्रेजुएशन में, मतलब स्नातक में आपने कितने नंबर्स यहाँ पर प्राप्त किए हैं। जहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए सेमेस्टर वाइज आपके नंबर्स की एंट्री करनी होगी। अब आपसे कहा गया है CGPA ग्रेड आपको कन्वर्ट करने हैं मार्क्स में, जो कि फॉर्मूला आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा रहता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो अपने यूनिवर्सिटी से या फ्रेंड्स अपने इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से आप ये फॉर्मूला ले सकते हैं, या सिंपली आप गूगल पर जाएंगे तो CGPA को आपके यहाँ पर मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीपल कैलकुलेटर मिल जाएंगे, जिससे आप यहाँ पर अपने नंबर्स की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका सेमेस्टर की वजह ईयर सिस्टम है तो फ्रेंड्स जो आपके टोटल मार्क्स और मार्क्स स्कोर है इनको आप दो भागों में डिवाइड कर देंगे इक्वली, और उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। जैसे टोटल मार्क्स है मान लीजिए आपके 1000 और मार्क्स स्कोर है आपके मान लीजिए 600,
45 या 46, इस तरह से आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो आपको मान लीजिए अगर ये ईयर वाला नंबर है तो आप इसको दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देना है टोटल मार्क्स, तो आपका जो एग्जाम है वो कितने नंबर्स का हुआ था, तो आपको ये टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं। मैं भी फ्रेंड्स सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपके जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो आपको देने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नंबर्स की एंट्री करनी है, हर एक सेमेस्टर में कितने हुए हैं। जैसा मैंने कहा अगर ईयरली सिस्टम है तो आप उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहां पर एंटर कर देंगे, इसके बाद कैलकुलेट वाला ऑप्शन है, कैलकुलेट आप करेंगे। यहां पर देखिए आपके परसेंटेज मार्क्स आपके ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएंगे और उसके बाद आप यहां से इसे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। SSB कोई दिया हुआ है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, कौन सी एंट्री है, किस लोकेशन पर, किस ईयर या मंथ में और क्या रिजल्ट आपका रहा। नहीं है SSB तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डिक्लेयर करना है और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर।